अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी जारी है। विपक्ष एकता की दो बैठक हो चुकी है और मुंबई में तीसरी बैठक होने वाली है। ऐसी चर्चा है कि कई राज्यों में अलग अलग संयोजक बनाए जा सकते हैं। शुक्रवार यानी आज मीडिया से बातचीत करते हुए ऐसी चर्चाओं पर सीएम नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। कहा कि 31 अगस्त को हम सभी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने मुंबई जाएंगे। 1 सितंबर को बैठक होगी, इसकी जानकारी दी जाएगी क्या फैसला हुआ है। वहीं लालू यादव की जमानत रद्द करने को लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई है, इस पर आज सुनवाई होनी है। जमानत रद्द करने के मामले पर नीतीश कुमार ने कहा कि बेचारे को तो जानबूझकर तंग किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आजकल जो है केंद्र में किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, सबको तंग ही तो कर रहे हैं। वहीं जाति आधारित जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि जाति आधारित गणना पूरे देश में रोल मॉडल बनेगा। अब तो कई राज्यों में मांग में उठने लगी है, सभी आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। कुछ लोगों ने जाति आधारित गणना में रोड़ा अटकाने का काम किया है, ये सभी को पता है कि आजकल केंद्र वाले क्या कर रहे हैं। ये हम लोगों ने तय कर लिया, तो ये सब काम किया। अब चूंकि ये सब काम किया है तो उसके आधार पर उन लोगों को तैयार में कर लेना है कि कहाँ गए, किस जाति में कितनी उपजातियां हैं और फिर कितनी आबादी है और फिर आर्थिक स्थिति क्या है। प्रदेश में 1,70,461 पदों के लिए शिक्षक भर्ती की परीक्षा 24 अगस्त से हो रही है। 26 अगस्त को अंतिम परीक्षा होगी। बीपीएससी की इस परीक्षा को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि अच्छे तरीके से परीक्षा का आयोजन हो रहा है, बड़े पैमाने पर बहाली होगी जिसका सभी को फायदा मिलेगा। वहीं राजभवन और सरकार के बीच टकराव को लेकर कहा कि किसी तरह का कोई टकराव नहीं है, हमने जाकर राज्यपाल से मुलाकात की है, कोई अड़चन नहीं है।